नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। आइए बात करते हैं उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी भी फैसले से देश की समूची आबादी का सहमत हो जाना मुमकिन नहीं है। इस मसले में असहमति के कुछ न कुछ स्वर तो उभरेंगे ही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वार्डा आज सहारनपुर पहुंची। सहारनपुर पहुंचकर उन्होंने सहारनपुर के निकट स्थित शाकुंभरा देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सहारनपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा, मैं माता शाकुंभरा देवी जी का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। एक बार भीषण अकाल पड़ा था, तब 100 आंखों से शाकुंभरा देवी ने आंसू बहाए थे। तब जाकर नदियों में पानी आया और किसान संकट से निकले। उन्होंने कहा कि कृषि कानून राक्षस की तरह है। यह कृषि कानून पूंजीपतियों के लिए बनाया, यह कानून बड़े बड़े खरबपतियों को लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि कोई भी फैसला 100% सभी को स्वीकार हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, तो किसी एक जगह एक फैसला बहुत लाभ देता है, तो हो सकता है किसी दूसरी जगह वह कम लाभ देगा। पीएम ने कहा कि ऐसे फैसले जिसका फायदा बहुमत को होता है उसी का लागू किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेल्थ क्रिएटर देश के लिए ज़रूरी होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सामर्थ्य बढ़ाने में सभी को सामूहिक योगदान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामाख्या तक, जब हर भारतवर्षी का पसीना लगता है तब जाकर देश आगे बढ़ता है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर ज़रूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। संयुक्त किसान मोर्चों ने कहा कि वे 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए देश भर में रेल रोको कार्यक्रम करेंगे। भारत और चीन के बीच 12 महीने से चली आ रही सीमा विवाद के बीच दोनों पक्षों ने पेंगोंग त्सो झील के किनारे से टैंकों और युद्ध वाहनों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट।